गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम राज आलमपुर है। जैसा आप सभी जानते हैं, मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट रोहतक सिटी हरियाणा में प्रैक्टिस करता हूं। इंसान की पास्ट मेमोरी यदि गलत है, खराब है, डिस्टर्ब करने वाली है, तो इंसान को स्ट्रेस होता है। और ठीक इससे उल्टा, यदि वो अच्छी है तो इंसान पॉजिटिव महसूस करता है। जी हाँ, आप सभी के लिए आज मैं लेके आया हूँ CTAI, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट एनालिसिस इन्वेंट्री। इसमें आप 30 आइटम से रूबरू होते हैं, 30 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। आप जानते हैं, जितनी भी चीजें हमारी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें मोटे तौर पे 4-5 चीजें कवर होती हैं। जैसे कि आपकी पास्ट लाइफ कैसी है, जैसे कि प्रेजेंट में आप कैसे हैं, फ्यूचरिस्टिक आपकी सोच कैसी है, आपके फैमिली के साथ रिलेशन कैसे हैं, और हाँ, आपकी सोशल लेवल पे आपकी कैसी इमेज है, या आपका सोशल सोसाइटी के बारे में कैसा सोचना है। इन सब चीजों के बारे में आप इस टेस्ट के दौरान पा सकते हैं कि आपका बिहेवियर ओवरऑल कॉन्फ्लिक्टिंग है या फिर आप नॉर्मल बिहेव करते हैं। हम इसमें आपके थॉट को 7 तरीके से एनालिसिस करते हैं। जैसा आप जानते हैं, बेसिकली एक थॉट न्यूट्रल होता है, लेकिन इसके बाद 3 थॉट पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव या एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो सकता है। और ठीक ऐसे ही इससे उल्टा कि आप माइल्ड लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, आप मीडियम लेवल पे भी कर सकते हैं यानी मॉडरेट लेवल, और आप बिल्कुल सिवियर केस, बिल्कुल हाई लेवल पे भी आप कॉन्फ्लिक्टिंग आपकी थिंकिंग हो सकती है। आप चाहें तो अपने कॉन्फ्लिक्ट का वो जो लेवल है, आप इसे पता कर सकते हैं, जिससे हमें भी काउंसलिंग करने में इस तरीके के साइकोमेट्रिक टेस्ट का हम यूज करते हैं, जिससे हमें भी पता लगता है कि इस इंसान के साथ इंटरेक्शन यदि करना है, इससे और अच्छे से इसको हमें डेवलप करना है, तो हमें इसका लेवल पता होना चाहिए। यदि आप में से हमारे साथी भी एक बिल्कुल ही नॉर्मल सी फीस पे आप इस टेस्ट का रिपोर्ट ले सकते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग का जो लेवल है, इसमें ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है, तो इसीलिए एक अच्छे ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट की इसमें जरूरत होती है। आप चाहें तो अपने इस टेस्ट से अपने लेवल का पता कर सकते हैं। विद दीज वर्ड, थैंक यू सो मच।